नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाई हूं। आज का टॉपिक है नज़र उतारने के उपाय। कई बार होता है कि हमें या हमारे बच्चों को या हमारे व्यवसाय व्यापार को या घर को या खाना खाते समय भी नज़र लग जाती है, जिससे हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ। दोस्तों, हमारा वीडियो सुनने से पहले मेरे चैनल एप साइलो को अवश्य सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। तो दोस्तों, बच्चों पर नज़र उतारने के उपाय। पहला है, यदि किसी बच्चे को नज़र लग जाती है तो वह रोने लगता है, वह खाना पीना छोड़ देता है, बात बात पर गुस्सा करने लगता है। ऐसे में आप 2 सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा सेंधा नमक और कुछ सरसों के दाने लें। इसके बाद बच्चे के ऊपर से नीचे की ओर 3 या 7 बार घुमाएं, फिर इसे जला दें। जलने पर जब धुआं उठने लगता है तब नज़र समाप्त हो जाती है। दूसरा उपाय, बच्चे पर अगर नज़र लगी हो तो 1 मुट्ठी नमक लें। अब इसे बच्चे पर 3 या 7 बार घुमाएं, फिर नमक को चलते पानी में प्रवाहित कर दें, नज़र उतर जाएगी। अब मैं बताऊंगी खाना खाते समय जो नज़र लग जाती है। तो खाना खाते समय जब भी नज़र लग जाए, जिसे आपको खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, इसके लिए आप इमली की 3 छोटी डालियों को लेकर आग में जलाकर नज़र लगे व्यक्ति के माथे पर से 7 बार घुमाकर पानी से बुझा दें और उस पानी को नज़र लगे व्यक्ति को पिलाने से नज़र दोष दूर हो जाता है। दूसरा उपाय है, भोजन में अगर नज़र लग जाती है तो तैयार भोजन में से थोड़ा थोड़ा 1 पत्ते पर लेकर उस पर गुलाब छिड़क कर रास्ते पर रख दें, फिर बाद में सब खाना खाएं। ये उपाय करने से नज़र दोष दूर होगा। अब मैं बताऊंगी घर को बुरी नज़र से बचाने के उपाय। अगर घर को बुरी नज़र लग गई हो तो एक किसी अच्छे दिन घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से ओम लिखें और शिव जी की त्रिशूल बनाएं, फिर मन ही मन भगवान से मनाएं कि हमारे घर को बुरी शक्तियों से बचाए। दूसरा उपाय है, नारियल को काले कपड़े में बांधकर सिलकर घर से बाहर लटका दें तो घर पर बुरी नज़र का प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि आपके घर पर बुरी नज़र लगी हो तो शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल को सरसों के तेल में भिगोकर शनि देव के मंत्रों के उच्चारण से उसका पूजन करें, तत्पश्चात घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। आपके घर की बुरी नज़र उतर जाएगी और फिर कभी नजर नहीं लगेगी। अब मैं आपको बताऊंगी व्यवसाय पर नजर लगी हो तो उसके उपाय। यदि आपके व्यवसाय पर नजर लगी हो तो शनिवार के दिन एक हरी नींबू को अपने ऑफिस के चारों दीवारों से स्पर्श कराएं, फिर उस नींबू के 4 टुकड़े कर 4 दिशाओं में फेंक दें। इससे आपके व्यापार पर लगी नजर जल्दी उतर जाएगी। दूसरा उपाय है, अगर व्यवसाय पर नजर लगी हो तो थोड़ी सी साबुत फिटकरी लेकर नजर लगी दुकान पर से 31 बार उतारे, फिर किसी चौराहे पर जाकर उसे उत्तर दिशा में फेंक कर पीछे देखे बिना लौट जाए, दुकान पर लगी नजर उतर जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और आपको और किसी विषय पर जानकारी चाहिए तो वो भी बताइए। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।